नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पंडित आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपको बताने जा रहा हूं भाषा के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में कि हमें कैसे लिखना, बोलना और पढ़ना आया। दोस्तों, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, प्राचीन रही है पूरे संसार में। दोस्तों, संस्कृत भाषा सबसे पहले भारत में बोली गई थी और इसका जन्म भी भारत में गया था। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, सभी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। चाहे वो कितने भी देश हो, कोई भी देश हो, सभी को बोलना हमारे भारत देश ने सिखाया है। दोस्तों, अगर जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में पूरा विश्वविद्यालय संस्कृत के नाम से बनाया गया है, वहाँ पे सिर्फ संस्कृत भाषा ही सिखाई जाती है। और चिकित्सा की बात करेंगे तो जर्मनी देश में एक चर्कोलॉजी नाम से एक विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे महर्षि चर्क जी का नाम लिया गया है। चर्क और चर्कोलॉजी, लॉजी इंग्लिश का वर्ड है, तो इसलिए उसको चर्कोलॉजी कहा गया। दोस्तों, जर्मनी देश की सबसे बड़ी हवाई सेवा का नाम लुफ्ता हंसा है। दोस्तों, लुफ्ता हंसा संस्कृत का वर्ड है, जिसका मतलब है लुफ्ता मतलब लुफ्त और हंसा मतलब हंस, जो बहुत पहले पक्षी होते थे परंतु आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और दोस्तों, संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें देश का, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द का भंडार है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं, जिसका तुलना कोई भी भाषा नहीं कर सकती। इंग्लिश को लीजिए तो उसके सिर्फ ओरिजिनल जो वर्ड है 12,000 हैं, जबकि हमारे देश की गुजराती लैंग्वेज के ही सिर्फ वर्ड 40,000 से ऊपर हैं और हिंदी के 70,000 से ऊपर हैं। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व रहा है हमारे देश में। और चाहे वो कोई भी भाषा हो, 56 भाषाएं ऐसी हैं जिनका जो आधार है वो संस्कृत ही रहा है, परंतु उनमें थोड़ा बहुत फर्क इसलिए रखा गया है कि उनको अलग बनाने के लिए। अगर वो फर्क ना रखा जाए तो संस्कृत जैसी ही भाषा हो जाएंगी। उनमें सभी जो धातु शब्द सभी जो संस्कृत भाषा की तरह ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, परंतु दोस्तों 200 कंट्रीज हैं संसार में और उनमें से सिर्फ 12 देशों में ही इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, इंग्लिश भाषा तो इतनी लाचार है कि चाहे वो चाचा हो, चाहे वो ताऊ हो, चाहे वो फूफा हो, सभी के लिए एक ही वर्ड है, अंकल वर्ड। और हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो छोटे से छोटे रिश्तेदारी को ही बहुत अच्छे से बता देती है। देश में आए थे, उन्होंने हमसे भाषा का ज्ञान लिया था और वो वापिस यहाँ से सीख कर फिर चाइना गए थे, इसीलिए भाषा का प्रचलन चाइना में हमारी वजह से हुआ था। दोस्तों, संस्कृत का व्याकरण इतना मजबूत है कि जब महर्षि पाणिनि ने हजारों साल पहले इसको लिखा था, आज भी इसका व्याकरण वैसा ही है। 21वीं सदी में इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और इस मजबूती को देखकर ही कंप्यूटर के लिए जो भाषा सबसे अच्छी तय हुई है वो संस्कृत ही है। दोस्तों, बेस्ट एल्गोरिदम जो कंप्यूटर के लिए डिसाइड हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। दोस्तों, इंग्लिश का भारत में जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था, राजा राम मोहन राय जी के काल में हुआ था। एक अंग्रेज था मैकोले नाम से, उन्होंने राजा राम मोहन राय जी को बोला था कि आप हमारे यहाँ पे जो भारत देश है इसमें कॉन्वेंट स्कूलों को लाइए, जिससे हम यहाँ के देशवासियों को इंग्लिश भाषा को सिखाएंगे। उन्होंने मैकोले ने एक पत्र में लिखा था अपने पिता को कि यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल इन बच्चों के लिए ऐसे साबित होंगे कि वो आने वाले समय में अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएंगे। और दोस्तों, आज भी वैसा ही है कि हमारी सभ्यता संस्कृति को सब भूल गए हैं, किसी को याद नहीं है। और इसीलिए हम जैसे बहुत से नागरिक ऐसे वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, इनमें जो इनके सिलेबस रहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे वो मेडिकल का हो, इनकी मातृभाषा में ही रहता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज मैं अगर इंग्लिश में पढ़ता हूँ और अपनी मातृभाषा में ही पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी मातृभाषा में जल्दी समझ में आएगी और बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, इसलिए इस चीज को समझिए और अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम रखिए, उसकी सभ्यता को ना भूलिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी अंग्रेज को अगर वो गलत हिंदी बोलता है तो हम हंसकर उसे समझाते हैं बहुत अच्छे से।
परंतु अगर हमारा कोई हिंदी भाई हिंदुस्तानी इंग्लिश नहीं बोल पाता तो हम उसका मजाक बना लेते हैं, जबकि उसको अपनी मातृभाषा के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। तो दोस्तों ऐसे किसी का मजाक ना बनाएं। ने एक और बात लिखी थी पत्र में कि जैसे किसी भी खेत में नई फसल लगाने के लिए उसे जोतना पड़ता है, ऐसे ही भारत की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए इसको भी ऐसे ही जोतना पड़ेगा, लोगों में भेदभाव लाना पड़ेगा, उसकी सभ्यता संस्कृति इन सबको खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम अंग्रेजी भाषा को इसमें जन्म दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों का निर्माण किया था जो आज कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों जो संस्कृत भाषा है इसमें इसका जब गणना की थी भारत देश के लिए कुछ साल पहले तो इसमें सिर्फ 12,000 ही लोग ऐसे थे जो संस्कृत भाषा को अच्छे से जानते हैं, जबकि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों बहुत चाहे कोई भी भाषा हो, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं, 56 भाषाएं, चाहे वो फ्रेंच हो, डेनिश हो, रशियन हो, पोर्चुगीज हो, को बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत के आधार पर ही बनाई गई हैं। दोस्तों और मैं आपको सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों उन सभी से प्रार्थना है जो बहुत ही प्यारे हैं मेरे और हर बार सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब होता है तो उसे बार बार सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद दोस्तों।